पंडाल दिखा देता हूँ एक बार। इस तरीके से पंडाल बनी हुई है। फिलहाल थोड़ा मेला की ओर चले जाते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से झूला वगैरह है। 50 रुपीज़ का है और ये 200 तक का पूरा अवेलेबल है। यहाँ पर चूड़ियाँ भी है बहुत सारी। देख तो अभी फिलहाल मैं बता रहा था कि यहाँ का जो पंडाल बनाए गए हैं ये ऋषिकेश के मंसूरी देवी मंदिर का पूरा रूप है और इसी तरीके से मंसूरी देवी मंदिर है ऋषिकेश का। तो हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो आज की इस नई वीडियो पर अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ सेक्टर 8 का गणेश पंडाल देखने के लिए। तो यहाँ पर गणेश पंडाल एक नहीं दो गणेश पंडाल एक साथ रखे गए हैं। एक तो मेरे जस्ट पीछे पर है और एक थोड़े ही बगल पर है। रोड क्रॉस करोगे तो बस जस्ट बगल में ही एक और गणेश पंडाल है। तो दोनों जगह ही काफ़ी अच्छे अच्छे डेकोरेट किए गए हैं, अच्छे अच्छे डेकोरेशन किए गए हैं और झूले दोनों जगह देखने को मिलेंगे और खाना पीने का भी सामान आपको अवेलेबल रहेंगे। तो चलो चलते हैं यहाँ का गणेश पंडाल देखते हैं। सबसे पहला वाला छोटा सा पंडाल बना है लेकिन इसके बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मूर्ति बैठाए गए हैं और यहाँ का डेकोरेशन लाइट का डेकोरेशन भी दिखाता हूँ मैं आपको। बात करते हैं लाइट का डेकोरेशन, यहाँ से स्टार्ट होती है पूरे लास्ट तक। आप देख सकते हो किस तरीके से पूरे लास्ट तक है और वो वाला गणेश पंडाल भी चलेंगे। अभी फिलहाल मैं यहाँ चलता हूँ। तो इस तरीके से अभी फिलहाल छोटा सा गणेश पंडाल बनाए गए हैं और झूला स्टार्ट हो चुका होने वाला है। पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी फिलहाल ग्राहक भी तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि पहला दिन है। तो गणेश पंडाल चलते हैं और गणेश जी दिखाते हैं आपको किस तरीके से है। यहाँ पर भी झूले स्टार्ट हो जाएंगे, ब्रेक डांस वगैरह सब चीज़ लग रहे हैं। देखो रेल गाड़ी लग रही है। तो देख सकते हो गणेश जी यहाँ पर किस तरीके से है। बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत गणेश जी बनाए गए हैं इस वर्ष की यहाँ का गणेश पंडाल का। देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अभी फिलहाल पूजा हो चुकी है और गणेश जी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। अभी फिलहाल माला जो है हाथ में पकड़ा दिया क्योंकि मुंडी बहुत बड़ी है इसलिए माला कवर नहीं हो पाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर डेकोरेशन की। बहुत ही अभी फिलहाल डेकोरेशन चल ही रहा है और कैमरा भी लगा रहे। छत्तीसगढ़ सिद्धिविनायक गणेश उत्सव समिति का नाम है और यहाँ पर ही सेक्टर 10 में ही रखे गए हैं और एक साइड ये है और एक साइड एक और समिति है। तो दोनों एक साथ ही है लेकिन ये पता नहीं चलता कि कौन सा है। तो ये है छत्तीसगढ़ सिद्धिविनायक गणेश उत्सव समिति। गणेश जी तो देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अभी फिलहाल पूजा यहाँ का कम्प्लीट हो चुकी है तो चल रहे आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ सेकंड वाला जो गणेश जी का पंडाल है वहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का मूर्ति और इस तरीके से यहाँ पर खाने पीने का जो स्टॉलें लगी हुई है वो सब चीज़ दुकानें दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ही बहुत सारे दुकान है, बलून वाला दुकान है आप देख सकते हो पान का और उधर मेला लगा हुआ है। यहाँ पर ब्रेक डांस वगैरह ये जो है पहली बार देख रहा हूँ और पंडाल दिखा देता हूँ एक बार। इस तरीके से पंडाल बनी हुई है। फिलहाल थोड़ा मेला की ओर चले जाते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से झूला वगैरह है। लाइटिंग बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई है और झूले की बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, फिर भी आप लोग को दिखा देते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अब झूले लगने वाले हैं और लग चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं झूले वूले लग चुके हैं और ये भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन झूले लगे इस वर्ष देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं हुए हैं, कब तक स्टार्ट होगा कोई पता नहीं। कब तक स्टार्ट होगा अंकल? कल हो जाएगा ना? कल वल तक हो जाएगा जैसे। और पंडाल के जस्ट बगल में ही यहाँ पर झूले अवेलेबल रहेंगे। चलो चलते हैं अभी फिलहाल पंडाल और खाने पीने का देखते हैं शॉप किस तरीके से यहाँ पर शॉप लगी हुई। तो देख सकते हो इस तरीके से मूर्ति का पंडाल बनाए गए हैं आप देख सकते हो सेक्टर 10 का। अभी फिलहाल यहाँ का पूजा स्टार्ट नहीं हुआ है, पूजा भी स्टार्ट होगा फिर कटाऊँगा, काफ़ी टाइम लगेगा। और यहाँ पर समिति के पंडाल बन रहे हैं तो काफ़ी सारे स्टॉले लगे हुए हैं इधर भी चारों तरफ लगे हुए हैं। यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ का स्टॉल लगी हुई है। देखो गर्ल्स लोग का यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, आपको पिछले व्लॉग में देखी होगी सेक्टर 2 में, उस तरीके से यहाँ पर भी लगे हुए हैं। यहाँ पर वॉच मिल जाएगा यहाँ सबसे बढ़िया चीज़। कितने कितने के वॉच है भैया? 150-200। कितने से स्टार्ट है कितने तक खत्म है? 50 से स्टार्ट है 350 तक। अच्छा ये बच्चों लोग को 50 रुपये का है? ये 50 रुपये का 350-400 रुपये ये सब है देख सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर वॉच है, गॉगल्स भी मिल जाएंगे बहुत सारे, यहाँ पर चश्मे भी मिलते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कपड़े की शॉप, ये देख सकते हो बैग का भी दुकान लग रहा है, गर्ल्स लोग का बैग है बहुत सारे, कपड़े का भी शॉप है यहाँ पर देख सकते हो। इस तरीके से बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े हैं लड़कियों लोग का भाई, लेकिन लड़के लोग का कुछ नहीं है भाई साहब। ये देखो फिर गर्ल्स लोग का पूरे सामान वगैरह है, ये सब देख सकते हो पूरे झुमके 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 झुमके
बहुत ही सुंदर सुंदर झुमके हैं यहाँ पर। ये इसको क्या बोलते हैं भैया सबको? ऑक्सराइज नेकलेस। ओके, लड़की लोग तो समझ जाएंगे। ये बड़ा है। ठीक है भैया। और ये झुमके उमके का रेट क्या है? ये भैया 180 रुपीस का है, 180 का है, इधर 120 का है। 120 का, 180 का, 180 का है। कितने से स्टार्ट हो जाएगी आपकी दुकान में? जो इधर 50 रुपीस और 80 रुपीस का है। हाँ, 50 रुपीस से स्टार्ट है, लास्ट 200 तक है। 200 तक, वही पूछ रहे थे। हाँ, 50 रुपीस का है और ये 200 तक का पूरा अवेलेबल है। यहाँ पर चूड़ियाँ भी हैं बहुत सारी, देख सकते हो इस तरीके से अलग अलग कलर। ये क्या चीज़ है भाई? ये छोटे बच्चों लोग हाथ में अंगूठी पहनने के लिए बहुत सारे। चलो और देखते हैं आगे क्या क्या दिखे। सोफे का कवर है, बेड कवर, सोफे का कवर, ये सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। और इधर भी गर्ल्स लोग का नेकलेस सामान जो दिखाया हूँ मैं, कपड़े हैं यहाँ पर। गर्ल्स लोग का सामान देखने समझ नहीं आता मेरे को, तो इसलिए मैं वहाँ पर जाता नहीं हूँ ज़्यादा। ये चूड़ियाँ हैं शायद अंकल जी, चूड़ी है। हाँ। ये मिट्टी का है, क्या चीज़ का है ये? क्या? पत्थर के, मिट्टी का है? लकड़ी, लकड़ी का है, पेंटिंग हुआ है। ये भी लकड़ी का सामान है, आप देख सकते हो पूरी लकड़ी, लकड़ी का सामान। लकड़ी का साइकिल है जिसमें चाबी रिंग लगा सकते हो आप, चाबी देख सकते हो, चाबी रिंग लगाने का है। बेलन वगैरह है, सब लकड़ी के सामान है, पूरे लकड़ी का सामान ही अवेलेबल है अंकल। ये आईने वगैरह भी देख सकते हो कि इस तरीके से आईने, वो भी लकड़ी का फ्रेम में बने हुए हैं। ये क्या चीज़ है? अच्छा, सो पीस लगा सकते हो इसमें कुछ? अच्छा अच्छा, हाँ वहाँ पे भी है देख सकते हो इस तरीके से पूरे साथ है ना, बहुत ही बढ़िया। ये साइकिल है देखो, गुलदस्ता लेके जा सकते हो साइकिल में। ये पढ़ने लिखने के लिए टेबल हो गया और रामायण पढ़ने का सब चीज़ अलग अलग सब चीज़ है। ये देखो एक्यूप्रेशर वाला चप्पल है, इसमें बीपी नहीं होता, शुगर नहीं होता, क्या क्या चीज़ बहुत सारी चीज़ नहीं होता, पता नहीं क्या क्या नहीं होता, क्या क्या होता है, तो इसमें भी रख के आप कर सकते हो। ये खड़ाऊ बोलते इसको, ये मसाज वसाज करने का सामान है, सब चीज़ है, बहुत सारी लकड़ी के सामान है। ये क्या चीज़ है भाई, क्या चीज़ है भैया? ये इमली है, चूरन गोलियाँ है, खट्टी मीठी इमली और ये सब चूरन गोली वगैरह, सॉप वॉप सब चीज़ है। लाइट नहीं है क्या अंकल? नहीं, लाइट नहीं है। ये देखो सब चूरन गोली वगैरह, मीठा और जीरा गोली, बहुत सारे बच्चे के खाने पीने का सामान है। ठीक है, पीछे क्या चीज़ है, पीछे क्या? यही सब बड़े पैकेट। अच्छा अच्छा, बड़े पैकेट में है ये, खुले में, बड़े पैकेट में। ये राजस्थानी की, राजस्थान की टेस्टी चूरन, ये फिर आ चुके हैं देख सकते हो, यही चीज़ बस देखने को मिलेगा हमको। और यहाँ पर चूड़ियाँ भी है बहुत सारी। देखो चूड़ियाँ हैं बहुत सारे और अभी कई सारे इंस्टॉलर अभी लगी नहीं है। यहाँ पर भी एक गेम चालू होने वाला है, गोले डालने वाले, जो दिखाया था नंबर वाला, तो अभी फिर आज अभी पन्नी लगी हुई है, फिर भी आपको दिखा दिया हूँ मैं। पूरा बंद है, इधर भी पूरा बंद है। चलो बैग का शॉप दिखाते हैं आपको, बैग। यहाँ पर गेम स्टार्टर चालू होने वाला है, गेम वाला जो देखने वाला। नाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है यहाँ से। जसवाल दबेली वाला आ चुका है, जसवाल रबड़ी कुल्फी वाला आ चुका है और यहाँ पर मिक्सर वगैरह के शॉप मिलेंगे आपको। ये सब मिक्सर वगैरह है और बहुत सारी चीज़ें खाने पीने का, नमकीन वगैरह भी है, मसाला नमकीन इधर भी है। कहाँ से हो भैया आप? गुजरात से? गुजरात से ना, गुजराती नमकीन, बहुत सारे सामान है यहाँ। खट्टा मीठा मिक्सर भी है क्या? जी जी सर, गेहूं चूड़ा खट्टा मीठा मिक्सर है इधर है। एक गेहूं के कौन से बनता है? इसका जो पुआ होता है गेहूं का होता है, इसका पुआ सिर्फ हिंदुस्तान में एक ही जगह बनता है, राजकोट में। राजकोट में जी, ठीक है। एक गेहूं चू गेहूं वाला है मिक्सर, नड़ियाद की भूसा, ठीक है। नड़ियाद में भूसू, नड़ियाद करके एक शहर है, नड़ियाद, हाँ नड़ियाद, हाँ वहाँ का भूसू फेमस है, नड़ियाद में भूसू बोलते सर। हाँ हाँ, बाकरवाड़ी वहाँ की फेमस है। हाँ वो तो सुना, वो जेठालाल का देखा हूँ मैं। और ये चूरन है, द्वारकेश फार्मा से आता है, जयपुर भीलवाड़ा राजस्थान। अच्छा द्वारकेश जी, हाँ तो वहाँ से आता है चूरन, पूरे पूरा है। हाँ लोकल एक भी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ ये सब सामान है और ये अंकल जी का तोलने का सामान रखना है, ये सब चूरन की है बहुत सारे। जेठालाल खाता है जो चूरन, वही सब, ये सब चूरन है। पीछे वाला पूरे पैकेट में पैक है, पैकेट में एक किलो वाला, आधा किलो। अच्छा हाँ ठीक है अंकल,
कितने सा मिक्सर कितने कितने चीज का है जी? मिक्सर का रेट क्या है? मिक्सर 100 रुपए पाव है। और कितने तक है? 100 रुपए पाव से 100 रुपए पाव से 120 रुपए पाव तक है। अच्छा, 100 से 120 तक पाव है। चूरन सुपारी है 120 रुपए पाव से। हाँ, 300 रुपए पाव तक। 300 रुपए पाव तक, ये देख सकते हो। मेथी दाना ये 300 रुपए पाव है। हाँ, और अदरक है 300 रुपए पाव है। अच्छा, खांसी कब बल्कि उसके लिए बहुत बढ़िया। ठीक है, ये कपड़ा का सेंटर है तो गुपचुप का दुकान लग गया है सबसे पहले वाला। यहाँ पर मसाला चटनी है, अचार, राजस्थानी स्पेशल अचार, बहुत सारे अचार है यहाँ पर। तो ये देख सकते हो, अभी फिलहाल मैं मंदिर के अंदर चलता हूँ, हमारे गणेश पंडाल के अंदर। किस तरीके से गणेश पंडाल को सजाया गया है ये भी देखते हैं आज यहाँ का। अच्छा, इस बार ऐसे लाइन वगैरह लगी हुई है, इधर भी क्या क्या पोस्टर वगैरह लग रही है, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पोस्टर लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, देख सकते हो किस तरीके से। ये झूमर की तरह लग रहा होगा लेकिन ये झूमर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बैनर है, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ लगाए गए, देख सकते कुछ इस तरीके से। की तैयारी चल रही है और ये पूरे थर्माकोल से बने हुए हैं, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ जो कि थर्माकोल से बनी हुई है। और फिलहाल गणेश जी के यहाँ पर स्थापना किए जा रहे हैं, पूजा चल रही है, काम भी चल रहे हैं। इधर ब्लैक करने का है, देखो येलो को ब्लैक कर रहे हैं जिसको, इसे ब्लैक कर दिया है, और यहाँ पर गणेश जी है। अभी फिलहाल पूजा की तैयारी चल रही है यहाँ का, काफ़ी लेट हो गई है पूजा करते करते, पूरा पंडाल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो पूरा बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ विजिट करना ना भूले भाई, यहाँ का भी पंडाल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाए गए हैं। और अभी फिलहाल चलते हैं अपन, देख सकते हो यहाँ पर पूरा बैरिकेड लगाए गए हैं, पूरे बैरिकेड लगा हुआ है, इधर से नहीं जा सकते अपन, चलेंगे इधर से या फिर उधर से, दोनों में से एक साइड से अपन को निकलना है। यहाँ पर बीच से भी निकल जाते हैं, अभी खाली है तो बीच में से यूज़ कर सकते हैं अपन, इसको भी यूज़ कर सकते हैं रिटर्न के लिए, वरना अभी फिलहाल इधर से अपन रिटर्न नहीं कर पाते। तो अभी फिलहाल मैं बतला रहा था कि यहाँ का जो पंडाल बनाए गए हैं ये ऋषिकेश के मंसूरी देवी मंदिर का पूरा रूप है, और इसी तरीके से मंसूरी देवी मंदिर है ऋषिकेश का, तो यहाँ आना ना भूले, ताकि कई लोग ऋषिकेश नहीं जा सकते तो ऋषिकेश का जो मंदिर है वो यहीं देख के आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ आकर आप देख सकते हो इस तरीके से पंडाल। तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी बुरी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि नई नई वीडियो के अपडेट अब तक पहुँच सके। और अभी फिलहाल गणेश जी के ब्लॉग काफ़ी सारे मिलने वाली है आपको हमारे चैनल पर, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखे रहोगे तो जल्दी से वीडियो के आप तक पहुँच सके, और बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि वीडियो के जो अपडेट है आप तक पहुँच सके। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑलवेज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तक के लिए बने रहो।